दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं अपने फोटोज़ को हाइड करना है, वीडियोस को हाइड करना है, दोस्तों अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली वगैरह में आपकी सारी प्राइवेसी ओपन हो जाती है, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि यार कुछ कुछ चीज़ों को जो अपना एकदम दिल के जो करीब होते हैं उनको हाइड वगैरह करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों आप कर नहीं पाते हो किसी न किसी कारण से, कभी तो आप पासवर्ड भूल जाते हो, कभी यार सबको पासवर्ड मालूम पड़ जाता है, लेकिन दोस्तों यार सेटिंग में जो ऑप्शन आता है कि आप जो छुपा सकते हो, दोस्तों बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है यार फैमिली फ्रेंड्स के अंदर कभी ना कभी। तो दोस्तों आज की जो वीडियो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होने, दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप जो है किसे हाइड कर सकते हो फोटोज वीडियो को, दोस्तों कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा, ये बात की गारंटी मैं देता हूँ। इतनी खतरनाक एप्लीकेशन है दोस्तों, बहुत अच्छा तरीका दोस्तों। अगर जैसे मोबाइल में जो आता है गैलरी में, आप उसमें ऐड मत करो, जो दिखाना दोस्तों आप उसमें ऐड करो। सो दोस्तों मेरा नाम है ऋषि, आप देख रहे क्रिएटर चैनल, दोस्तों फटाफट से आज वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो एप्लीकेशन में बात करें दोस्तों वाला हूँ दोस्तों उसका बारे में, कैलकुलेटर दोस्तों यार थंबनेल आप सबने देखा दोस्तों, अब बोलो कि कैलकुलेटर के अंदर अपन कैसे अपने फोटोज वीडियो को छुपा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप छुपा सकते हो की गारंटी मेरी। दोस्तों ये कैलकुलेटर जादू ही कैलकुलेटर है, बहुत मैजिक कैलकुलेटर है दोस्तों। इसको डाउनलोड करना बहुत सिंपल है दोस्तों, सिंपली आपको प्ले स्टोर जो मिल जाता है, आप इस प्ले स्टोर ओपन वगैरह करोगे, यहाँ पर दोस्तों आप लिखोगे हाइट हिडन कैलकुलेटर, आप जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पर देखो आपको मिल जाता है। मैं दिखाता हूँ, जैसे आप जैसे सर्च करें यहाँ पर दोस्तों जो लिखा है ये वाला, यहाँ पर आपको इसको इंस्टॉल वगैरह कर लेना है। तो मैंने इसको इंस्टॉल वगैरह कर रखा है, जैसे मेरे पास राइट ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है, तो सिंपली दोस्तों मैं इसको यहीं से ओपन वगैरह कर लेता हूँ। जैसे आप उसको ओपन वगैरह करोगे दोस्तों, आपको यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम दोस्तों कुछ परमिशन वगैरह मांगे, परमिशन मिलता है आपकी मीडिया की फाइल वगैरह की, गैलरी वगैरह की, ताकि छुपाने के कुछ काम वगैरह आ सके ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऐड वगैरह कभी आ सकते हैं, कभी कर आ सकते हैं। अब मैं सर्च करूँगा जो नेट वगैरह ऑफ करके इसको रन वगैरह करें, तो ऐड वगैरह आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं ऐड पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों अलाउ कर देता हूँ पहले, और दोस्तों यहाँ पर जो है मेरे पासवर्ड वगैरह एक्सेस वगैरह मांग रहा हूँ, ताकि मेरी फाइल्स वगैरह जो एक्सेस वगैरह करे। ये दोस्तों बहुत सेफ एप्लीकेशन है, लीकेज वगैरह मतलब यहाँ पे कोई ऐसा डर वाली बात नहीं है कि कुछ हो जाए, है ना। दोस्तों यहाँ पे ऐड बार बार आ रहा है यार, मुझे यहाँ पे शायद ऐड बंद करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले लैंग्वेज जो सिलेक्ट करना है दोस्तों, यहाँ पर लिखा सेट योर पासवर्ड, तो दोस्तों आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर सेट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर कंफर्म मांग रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैं 4 डिजिट का पासवर्ड लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा एंटर 4 डिजिट पासवर्ड प्रेस इक्वल टू कंफर्म। दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं डालता हूँ 2607 मैंने डाला दोस्तों, इसका दोस्तों आपको इक्वल टू पे क्लिक करना है दोस्तों, वापस कंफर्म करने दोस्तों यहाँ पर वापस लिखना है आपको पासवर्ड 2607। दोस्तों ये मेरे केस में दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई सा भी यहाँ पे पासवर्ड वगैरह डाल सकते हो दोस्तों। यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना चाहते हो, और जैसे कि लिख देता हूँ व्हेन योर बर्थडे, तो दोस्तों मेरा बर्थडे जो कल ही है 26 जुलाई को है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2607 शॉर्टकट में दोस्तों 26 जुलाई बोलता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों मैं यार कुछ भी ऐसा @ लगा देता हूँ, ताकि मैं दिमाग में याद रहेगा मेरे कैसा करा है। तो दोस्तों कन्फर्म पर क्लिक करना है, जैसे कन्फर्म पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपका जो पासवर्ड थोड़ा लोडिंग होगा, तो यहाँ पर सेट वगैरह हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका पासवर्ड जो सेट वगैरह हो गया। अब दोस्तों यहाँ इसको हम एक बार वापस से रीओपन करते हैं दोस्तों, यार पासवर्ड सेट कर लिया, इसको हम एक बार रीओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता है। दोस्तों इसको ओपन वगैरह करोगे तो नॉर्मल जो ओपन होगा दोस्तों, नॉर्मल जो कैलकुलेटर होता है सेम टू सेम वैसे ही ओपन होगा। जब आप 2607 करोगे जैसे, तो यहाँ पर आपका जो ओपन हो जाएगा, जैसे मैंने 2607 लिखा, और जैसे मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा तो मेरा जो अनलॉक वगैरह हो जाएगा। जब तक मैं 2607 प्रेस नहीं करूँगा, जब तक मैं इक्वल टू प्रेस नहीं करूँगा, तब तक मेरा अनलॉक नहीं हुआ। अगर मैं 2607 प्रेस कर देता हूँ, प्लस माइनस कुछ भी करता हूँ, तो भी मेरा अनलॉक नहीं होगा, सिर्फ इक्वल टू से ही जो है रन करता है। दोस्तों यहाँ पर जो आप अपने इसको ऐड कर सकते हो, फोटोज़ को, वीडियोज़ को, डॉक्यूमेंट वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर ऐड वगैरह कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर ऐड की थोड़ी ज़्यादा समस्या आ रही है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो नेट बंद कर लेना है। दोस्तों मान लो अगर आपको यहाँ पर फोटोज़ वगैरह ऐड वगैरह करना, तो आप कैसे करो दोस्तों, फोटोज़ ऐड करना है बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर आपको गैलरी दिख रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा नो फाइल, क्योंकि हमने कुछ भी यहाँ पर ऐड वगैरह नहीं करा, यहाँ पर नो फाइल दिख रहा है। दोस्तों आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, जैसे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर दोस्तों आपकी सारी फोटोज़ जो है यहाँ पर आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यार, मैं जो इसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ सिर्फ डेमो के लिए, यहाँ पर दोस्तों मैंने करा, यहाँ पर दोस्तों यार कुछ टाइम लेगा दोस्तों, ये फाइल आपके मीडिया की जो गैलरी है उस वहाँ से गायब होकर यहाँ पर जो आ जाएगी, लेकिन दोस्तों रहेगी गैलरी के अंदर ही। और यहाँ पर जो आपकी आ जाएगी, यहाँ पर लिखा प्रोसेसिंग योर मीडिया इज रिमूविंग फ्रॉम योर स्टोरेज टू, यहाँ से कहने का दोस्तों मतलब ये कि आपके जो गैलरी के अंदर है, फोन के अंदर गायब कर दिए वहाँ से, और यहाँ पर इसको स्टोर वगैरह कर दी। तो दोस्तों कोई भी इंसान, कोई भी आपका कितना भी बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी हो, आपका मोबाइल पूरा खोला मुदी कर रहा है, लेकिन दोस्तों कोई भी यहाँ पर आपकी फाइल को जो ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि यार दोस्तों यहाँ पर एक जो मेन तरीका दोस्तों सबसे होता है कि दोस्तों बाकी सब आपको लॉन्ग प्रेस करोगे यहाँ पर ऐसा तो ओपन वगैरह हो जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आपको पहले पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको इक्वल टू पे क्लिक करना है। बाकी लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं होता कि भाई ऐसा कुछ भी होता है, इक्वल टू पे क्लिक करने के बाद ही जो चीज़ रन करेगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, वापस गैलरी में जाता हूँ, दोस्तों यहाँ पर मेरी जो फाइल है वो आ चुकी है। तो एक सर सिंपली नॉर्मल सा पेटीएम का स्क्रीनशॉट है, तो मैंने इसको ऐड करा। दोस्तों यहाँ मैं इसको चलता हूँ गैलरी में, देखता हूँ कि गैलरी में भाई है कि नहीं है। तो यहाँ से सिंपली मैं चलता हूँ गैलरी के अंदर, मैं गैलरी में आएगा दोस्तों, यहाँ चलता है एल्बम में और चलता हूँ स्क्रीनशॉट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अभी है नहीं, मैंने मतलब हाइड कर दिया, पर दोस्तों मैं वहाँ से अनहाइड कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो ऐड वगैरह बहुत ज़्यादा ही आते हैं, तो यार इसका प्रीमियम वर्जन आप डाउनलोड कर लेना, गूगल क्रोम से आपको मिल जाएगा, है ना। ग्रुप का आप जब सर्च करो गूगल क्रोम पे हाइड एंड कैलकुलेटर मोड एपी के, तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों एक और चीज़ बहुत अच्छी, दोस्तों आप जब भी इस ऐप को क्लोज वगैरह करोगे, तो यहाँ पर हर टाइम आपसे पासवर्ड मांगेगा। ऐसा नहीं आपने एक बार रन कर दी तो यार एक बार मांगेगा, दोस्तों हर टाइम आपसे जो यहाँ पर पासवर्ड वगैरह मांगेगा। जैसे कि मैंने वही क्लोज करी तो मुझसे पासवर्ड फिर मांग लग गया, और दोस्तों वहीं से ओपन हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि दोस्तों मुझे इसको अनलॉक करना है, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर मैंने शायद डिलीट कर दिया गलती से,
तो डिलीट हो गया, मैं वापस इसको ऐड कर लेता हूँ और फिर इसको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इसको ऐड करा और यहाँ पर दोस्तों कुछ टाइम प्रोसेसिंग का लेगा, डन कर देता हूँ। और यहाँ पर जो इसको मैं अनलॉक पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, दोस्तों यहाँ पर अनलॉक आपको दिख रहा होगा ताला बटन, आपको ताले वाले पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करो दोस्तों परमिशन पूछा भाई आपसे, इसको आपको अनलॉक वगैरह करना है, मतलब गैलरी में करना है, डू यू वॉन्ट टू अनहाइड दिस फाइल, तो यहाँ पर सिंपली आपको दोस्तों यस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर यस पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल जो है वापस की वापस जो है जैसी थी वैसी वैसी आपकी गैलरी के अंदर वापस आ जाएगी। चलते हैं दोस्तों हम गैलरी में चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं गैलरी के अंदर। तो दोस्तों यहाँ से जो मैंने इसको हाइड करा था पहले, तो मेरी फाइल नंबर सब वापस आ चुकी है और मैंने इसमें से कुछ ना कुछ हाइड वगैरह करा था, मुझे दिख नहीं था फिलहाल अभी। हाँ मैंने ये हाइड करा था ना, तो ये मेरा आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर आपको जो स्क्रीन दिख रही है दोस्तों फिलहाल ब्लैक ब्लैक दिख रही है दोस्तों, प्राइवेसी के कारण यहाँ पर आपको स्क्रीन में कुछ भी दिख नहीं रहा होगा। लेकिन दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है बहुत ही वर्किंग एप्लीकेशन, बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो यार, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो मैं कर रहा हूँ तो मुझे खुद नहीं पता था कि यार भाई ये ऐसा सीन हो रहा है कि यार हाई, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग आई है पूरा ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है। लेकिन दोस्तों यार यहाँ पर आपकी चीज़ें कोई एकदम सेफ है, कोई भी यहाँ से आपकी चीज़ें गायब वगैरह नहीं कर सकता है। तो मैंने खुद ने जो अभी टेस्ट करा दोस्तों, मुझे जो हाइड फाइल करी थी वो फाइल आपको नहीं दिखी शायद से, है ना, मुझे लगा आपको दिख रही है दोस्तों, यार आपको नहीं दिखी दोस्तों। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह सब प्राइवेसी बिल्कुल एकदम कड़क ताला चाबी में लगा के रख रखा है, हर कोई यहाँ पर इसको ब्रेक वगैरह नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा इसकी सिक्योरिटी टाइट है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अपनी फाइल वगैरह को, फोटोज़, वीडियोस, डॉक्यूमेंट वगैरह को इजीली हाइड वगैरह कर सकते हो। दोस्तों आज मैं इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो, दोस्तों अगर वीडियो में वीडियो लाइक करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो तक, जय वंदे मातरम।